आप सभी को प्रणाम करती हूँ। माला बेटा आप अपने घर में जल्द ही आ ही होंगे, लेकिन यहाँ अनारकली नहीं खड़ी है, इसे अच्छे से बैठ जाओ। यहाँ पर विराजित अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। अरे वाह, वो भाई साहब बैठे हैं, जब से समझ नहीं आ रहा कि कूलर उनसे टिका है या वो कूलर से टिके हैं। उन्हें भी प्रणाम करती हुए कि मैंने व्यक्ति की कुर्सी छीन ली, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जितने भी भूतपूर्व नौजवान बैठे हैं, एक दादा यहाँ बैठे थे, भूतपूर्व नौजवान मतलब भूतपूर्व नौजवान और क्या, आप चाहें तो अपने आप को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। बुरा ना मानो, अरे आप बावड़ी सुनाने का अभी तो गया ही नहीं हुआ मेरा, अभी से भूतपूर्व हो गया। हाँ, जिसकी बेटी ही नहीं आई वो कैसे खेला वो? आपने बहुत अच्छे हैं, आप लाए पोपट लाने से सारी हो गया। क्या बोल रही है? मैं नहीं बोली, वो बोला। क्या बोल रहा है माला? आशीर्वाद लेना तो नहीं भैया, ऐसा है देखो आप तो देख के तो माइक की सीटी मार रहा है। ऐसा मत कहो, अभी अर्जुन भैया यहाँ खड़े थे, उनको भी देख के बहुत जोरदार सीटी बजाई थी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनके माइक का ही कैरेक्टर खराब दिख रहा है। और ये क्या कर रहा था? तू सरेआम में माला फेंका रहा है। और वो भी उसको जिस प्लाट की रजिस्ट्री 4 साल पहले ही हो चुकी है। अभी एक दादा यहाँ पर बैठे थे, वो हमारे बीच नहीं रहे, कुछ काम पे चले गए। नहीं आप गलत मत समझो मेरी बात को, पूरी सुन लो, कुछ काम था जरूरी तो वो चले गए यहाँ से। भाई मैंने तेरी कौन सी जागीरें लूट ली है, बस अब ऐसे ही बैठे रहना। मंच संचालक बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, वो तो मुझे पता है, लेकिन 10 साल बात कर रहे हो तो इसलिए तारीफ कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम अपने घर का देखे देख लो, मैं तो उसको भी सही कर रहा हूँ। अच्छे से डर वही काफी है, मेरे घर का संचालन सुचारू रूप से चल रहा है। नहीं नहीं थोड़ी गड़बड़ी हो तो एडजस्ट कर लो। जब एडजस्ट कर रहे हैं तो 4 पंक्तियां अगर आप सभी अनुमति दें तो इन्हें सौंपती हूँ। देखो मेरी बात सुनो, इसने क्या कहा, क्या सोचती हूँ? 4 पंक्तियां कहा मैंने। पंक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइन। भाई मेरे से पंगा ले ले, मैं सही बात बता रहा हूँ, मेरे से तो लड़ता भी मत, जितना तेरे में टोटल दिमाग है ना उतना तो मेरा खराब ही रहता है। प्रणाम करती हूँ, पता नहीं क्या क्या उगलेगा अभी बीच बीच में। 4 पंक्तियां मैंने कही थी, मैं सौंपती हूँ कि आपने हम पर चढ़ता शबाब देखा है, आपने हम पर चढ़ता शबाब देखा है, जैसे कि जागती आंखों से ख्वाब देखा है, फूल के इर्द गिर्द कांटे भी होते हैं, आपने कांटे नहीं सिर्फ गुलाब देखा है। भाई काकोस क्या मतलब है अपना? देखी क्यों? हमको फूल से मतलब है, फूल से मतलब रखो ना यार, कांटे कौन पहुंचे? हम तो सब काने लोग इकट्ठे ही नहीं है कांटों से मतलब।
मैंने इसीलिए इनके खराब दिमाग को पहले ही प्रणाम कर दिया, क्योंकि जब जब मैंने कुछ कहूंगी ऐसे दिमाग चलेगा, क्योंकि इनकी बातों में बेवजह शोर है जिस पर वैशाली करती नहीं गौर है। यहाँ रहने की जिद न करो मियां, इस हवेली का मालिक कोई और है। मैं बोलूंगा और ये कह रही है बोलो हवेली का मालिक कोई और, मालिक कोई और है तो एक काम कर किराएदार ही बना ले। हम तो मकान नहीं मिलता तो हम तो किराए नहीं मिल लेते, किराएदारी में बुढ़ापा आ जाएगा। आप तो शिफ्ट करो। और ये कह रही है हवेली का मालिक कोई और, इसको मालूम नहीं है किससे बात कह रही है। बावड़ी में चाहूं तो वीराने को गुलशन बना दूं, मैं चाहूं तो मुरझाए आलम को सावन बना दूं, और मैं तो खुदा का हूं नेक बंदा हूं, किसी अपागल को झूलूं तो सुहागन बना दूं। खुदा के नेक बंदे, इश्क करने से पहले इश्क का अंजाम देख लेना, इश्क करने से पहले इश्क का अंजाम देख लेना, और फिर भी समझ में ना आए तो गजनी और तेरे नाम देख लेना। मैंने प्यार किया तो जिसे हमने देखी ही नहीं हो, गलती चीज क्यों देखो यार। अभी इसने कहा बोले गुलाब देखो, कांटे देखो, कांटे नहीं देखे, देखे क्यों ढंग की देखो ना। मैंने प्यार किया देखो, मैंने हम आपके हैं कौन, हम आपके कौन देख लो, रब ने बना दी जोड़ी देख लो, और भी बहुत सारी आ रही है वो देख लेना, टन ठना टन 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 का चलती है क्या रोजे बारह। बढ़िया चीज देखो ना, खराब की देखते हो भाई। जिसको जिसको मिठाई खाने का शौक है ना, वो कर्णली की ओर नजर नहीं करता है। ठीक, अभी कुछ बाकी रह गया तो बोल दे, वो मौका देना चाहिए देखो, सभी को बराबरी से मौका देना चाहिए। आप सभी सहमत हो मेरी इस बात से? कोई बात नहीं, अगर आप भी दोगे तो हम तो ले ही लेते हैं मौका। देखिए सुरेश जी, आप इतना बुरा मत मानिए, सिर्फ चार पंक्तियां कि बेशक मैं तुमसे प्यार करूंगी। बेशक मैं तुमसे प्यार करूंगी, मोहब्बत का इजहार करूंगी, तुम रक्षा बंधन के दिन आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जो मैं गफ्फार साहब वाला धर्म चेंज कर लूंगा। ये भाई ने मेरे को माला पहनाई, अब तू मेरी लुगाई हो गया। ऐसी लुगाई के लिए जैक करूंगे क्या? नर को माला नर पहनाए यही अजब है, और जनसंख्या कम करने का ये सबसे गलत तरीका है। आप लोग लगे रहो जनसंख्या कम करने में, मैं अपना और आप लगी रहो बढ़ाने में। देखिए चार पंक्तियां और ही मैं सोचती हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा, और वाकई में कहीं अंतर मन को आपके छू जाए और मैं कहीं सत्य तक कह सकूं तो मेरा साथ दीजिएगा, आपका प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। बेदाग होने की क्रीम लगाए बैठे हैं, बेदाग होने की क्रीम लगाए बैठे हैं, सारे काम छोड़कर धाम बहीन बैठे हैं। बेदाग होने की क्रीम लगाए बैठे हैं, सारे काम छोड़कर धाम बहीन बैठे हैं, आप समझ रहे हैं साधु संत जिनको, मेरी नजरों से देखो राम नहीं बैठे। बढ़िया, देखो कितना जोश चढ़ा है। एक महिला सब पे भारी होती है, यहाँ पर जितनी महिला बैठी भली संख्या में कम हो लेकिन 100 के बराबर है एक। सुन के देख लो। तो बहुत इसके
साइड, मतलब इधर जवाब दे रहे हो तो भी गालियां लग रही है। अच्छा मतलब तुम थाने के वैगन हो, कहीं भी उड़ जाओगे। मैं साथ में लेके नहीं जाऊंगी, यहीं रहना। दिल जिगर जिया से कम नहीं लगती, मैं अगर राम रहीम हूँ तो ये भी अनिल प्रिया से कम नहीं लगती। अलविदा जी, आपकी सूरत मेरे दिल में ऐसे बस गई है जैसे छोटे से दरवाजे में कोई भैंस बस गई। पहली लाइन में तुमने छाती में ठंडक पहुंची और दूसरी में तुमने सारे किरे कराए तो पानी भेज दिया। बोलो यार क्या करें। देखो ऐसा है, मेरे घर वालों ने मेरे घर से जब मैं निकला था तो समझा कि बेटा भेजा था, बेटा एरी गेरी लड़कियों के मुंह मत लगना। मेरे घर वालों ने भी समझा कि बेटा भेजा था कि मैंने हार मान ली। नहीं नहीं, मैं देखिए इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगी कि क्योंकि बंद मुट्ठी में आग रखते हैं हम भी, मुंह में जुबान रखते हैं, कहने को तो कुछ भी कह दे मगर हम घरानों की शान रखते हैं। हासी के तीन दोहे मैं चाहूंगी कि राजस्थान की धरती पर हूँ, आप सभी श्रोताओं का भरपूर तालियों भरा साथ चाहूंगी कि इन दोहों में आप सभी की तालियां अगर मिल जाएंगी तो और भी मजा आएगा। और समर्पित करते हैं ये तीनों दोहे इन्हीं को, सुनिएगा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, अरे जो पिछला रोने से क्या हो, समय का खेल है भैया वो कर ले काटा भैया, समय का खेल है भैया वो कर ले काटा भैया। कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाती हार, कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाती हार, अरे जेब हम क्रेडिट कार्ड तो चले छो तेरी साथ साथ में चलेगी सासू, आईडिया रहेगा धासू साथ में चलेगी सासू। और जो तीसरा दोहा है वो जब पति पत्नी के बीच में अनबन होती है तो दोनों की अंतर मन में क्या चल रहा होता है वो भाव निहित है। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छबाए, अरे जो बोले नहीं तो भाड़ में जाए, बोल के क्या करेगा ये यूं ही टेंशन देगा, बोल के क्या करेगा। और जितने कुंवारे बैठे हैं यहाँ पर उन्हें प्रणाम करती हूँ। कुंवारों के तो पहले पांव भी पड़ जाओ तो भी कमी रहेगा। कुंवारों को प्रणाम करने का देखो विशेष कारण, हर बात का कोई ना कोई कारण होता है। कुंवारों को विशेष प्रणाम इसलिए होता है कि एक आइडिया आपकी दुनिया बदल देता है और एक पत्नी आपका पूरा आइडिया बदल देती है, इसलिए कुमारों को विशेष प्रणाम किया जाता है। यहाँ पर आप सभी को समर्पित चार पंक्तियां। रिश्तों भरी किताब सी हो जाए जिंदगी, रिश्तों भरी किताब सी हो जाए जिंदगी, चाहत के प्यारे भाव सी हो जाए जिंदगी, तन्हा सफर है मेरा ये कांटो भर, तन्हा सफर है मेरा ये कांटो भरा मगे, कांटो भरा मगे, कांटो भरा मगे, तू संग है गुलाब सी हो जाए जिंदगी, तू संग है गुलाब सी हो जाए। कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं, कुछ नहीं बहुत सारे बैठे, मेरे लिए तो कुछ ही है। प्रोडक्शन कंपनी भारी लग रही है। ये तो आपने पहले ही बोल दिया था। बच्चों को समर्पित चार पंक्तियां। ये तुमको कुछ लग रहे हैं तो क्या मैं पूरी स्कूल बोलना चाह रही हूँ। प्रेम की राह में कुछ ख्वाब सलोने देना, प्रेम की राह में कुछ ख्वाब सलोने देना, रात बाकी है अभी मुझको न सोने देना, आंसुओं को हंसी में ढालना चाहो अगर
सभी आयोजक समिति के द्वारा हमें वाकई में सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरुवर के श्री चरणों में उनका आशीर्वाद पाने का। मैं चाहती हूँ कि गीत की चंद पंक्तियाँ उसके माध्यम से गुरुवर का आशीर्वाद मिले और आप सभी का साथ मिले। अग्रसेन जयंती और यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं, इसलिए मैं अगर गुरुवर तक मेरी आवाज पहुँच रही हो तो मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद मिले। ऐसा दो वरदान जिनेश्वर तुम सब ही बन जाऊं मैं, ऐसा दो वरदान जिनेश्वर तुम सब ही बन जाऊं मैं, निर्मल परिणति होवे मेरी मोक्ष परम पद पाऊं मैं। ऐसा दो, मैं चाहूंगी सभी तालियों के द्वारा साथ दें। ऐसा दो वरदान जिनेश्वर तुम सब ही बन जाऊं मैं, निर्मल परिणति होवे मेरी मोक्ष परम पद पाऊं मैं। ऐसा दो वरदान जिनेश्वर नर्तन पाकर मेरे जन्म निज को ना पहचान सकी, क्यों आई हूँ कहाँ है जाना ये भी ना मैं जान सकी, शरण लगा लो मुझको भगवन दर्श तेरा कर पाऊँ मैं, निर्मल परिणति होवे मेरी मोक्ष परम पद पाऊँ मैं। ऐसा दो वरदान जिनेश्वर तुम सब ही बन जाऊँ मैं, निर्मल परिणति होवे मेरी मोक्ष परम पद पाऊँ मैं। और अगला बंद सुनिएगा। पाप पुण्य में उलझा जीवन मैं बालक नादान हूँ, नहीं आराधना पूजा जानू मैं अब गुरु की खान हूँ। ऐसा ज्ञान दिला दो भगवन सिद्धों में मिल जाऊं मैं, निर्मल परिणति होवे मेरी मोक्ष परम पद पाऊं मैं। ऐसा दो वरदान जिनेश्वर तुम सब ही बन जाऊं मैं, निर्मल परिणति होवे मेरी मोक्ष परम पद पाऊं मैं। ऐसा दो वरदान जिनेश्वर। और पावन भूमि में मालपुरा के पावन भूमि पर आई हूँ, अंतिम चार पत्तियां और आप सभी का प्यार और आशीर्वाद चाहूंगी कि चित्र अच्छा लगे तो आकृति बचाए रखना, चित्र अच्छा लगे दीपक जी को प्रणाम करते हुए। आप इतना खतरनाक संचालन करते हैं, मैं सोच रही थी कि कभी अगले कवि सम्मेलन में अगर हम लोगों की डेट बुक रही तो सभी कवियों का ये अकेले ही काव्य पाठ कर देंगे। चित्र अच्छा लगे तो आकृति बचाए रखना, इस दौर में रहना है तो प्रकृति बचाए रखना। ये लुंगी डांस की बातें फिल्मों में भी अच्छी लगती हैं, अगर मंच जिंदा रखना है तो संस्कृति बचाए रखना।